आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और हम आपको बताएंगे मोक्षदा एकादशी की कथा। क्योंकि जिस दिन आप एकादशी व्रत करते हैं मोक्षदा एकादशी, उस दिन आपको कथा भी सुननी होती है, तो वो कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। चंपा नगरी में एक प्रतापी राजा वैखानस रहा करते थे। उन्हें संपूर्ण वेदों का ज्ञान था, बहुत प्रतापी और धार्मिक राजा थे। इसी कारण प्रजा में भी खुशहाली थी। कई प्रकांड ब्राह्मण उनके राज्य में निवास करते थे। एक दिन राजा को स्वप्न दिखा जिसमें उनके पिता नरक की यातनाएं झेलते दिखाई दिए। ऐसा स्वप्न देखने के बाद राजा बेचैन हो उठे और सुबह होते ही उसने अपनी पत्नी से अपने स्वप्न का विस्तार से बखान किया। राजा ने यह भी कहा कि इस दुख के कारण मेरा चित्त कहीं नहीं लग रहा है, मैं इस धरती पर संपूर्ण ऐशो आराम में हूँ और मेरे पिता कष्ट में हैं। यह जानने के बाद से मेरा श्री दुर्बल सा हो चुका है, कृपया कर मुझे इसका हल बताएं। पत्नी ने कहा कि महाराज आपको आश्रम में जाना चाहिए। राजा आश्रम गए। वहाँ कई सिद्ध गुरु थे, सभी अपनी तपस्या में लीन थे। महाराज पर्वत मुनि के पास गए, उन्हें प्रणाम किया और समीप बैठ गए। पर्वत मुनि ने मुस्कुरा कर आने का कारण पूछा। राजा अत्यंत दुखी थे, उनकी आंखों से अश्रु की धार बह निकली। तब पर्वत मुनि ने अपने दिव्य दृष्टि से संपूर्ण सत्य को देखा और राजा के सिर पर हाथ रखा और ये भी कहा कि तुम एक पुण्य आत्मा हो जो अपने पिता के दुख से इतने दुखी हो। तुम्हारे पिता को उनके कर्मों का फल मिल रहा है। उन्होंने तुम्हारी माता को, तुम्हारी सौतेली माता के कारण बहुत यातनाएं दी, इसी कारण वे इस पाप के भोगी बने और नरक भोग रहे हैं। राजा ने पर्वत मुनि से इस दुविधा का हल पूछा। इस पर मुनि ने उन्हें एक मोक्षदा एकादशी व्रत पालन करने के लिए कहा एवं इसका फल अपने पिता को देने को कहा। राजा ने विधिपूर्वक अपने कुटुंब के साथ व्रत का पालन किया और अपने पिता को इस व्रत का फल अपने पिता के नाम से छोड़ दिया, जिस कारण उनके पिता के कष्ट दूर हुए और उन्होंने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया। इस प्रकार इस व्रत के पालन से पितरों के कष्टों का निवारण होता है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।